हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको डिजिटल साइन और ई साइन दोनों में हेल्प करेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है एक्रोबैट एडोब डीसी। ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज के डेट में लोग बहुत ही डिजिटल होते जा रहे हैं। जैसे कि कभी आपको जॉब इंटरव्यू के लिए गया, आपको डिजिटल सिग्नेचर करके आपको वहाँ पर भेजना है, तो आप कैसे करेंगे? आप सिग्नेचर करेंगे और उसको इमेज को उधर पेस्ट कर देंगे तो वो वैलिड नहीं होता है। तो इसके लिए ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप बहुत अच्छे से डिजिटल साइन कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अभी बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है इस सॉफ्टवेयर का। और ये टोटली ही फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं लगते। चलो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करके आप देखिए। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ। ये देखिए यहाँ आ गया है एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी। सिंपली इसके साइड पे चले जाएंगे, फर्स्ट वाले पे ही। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से पहले आप मैक केपी और ये सब को अनचेक कर दीजिए, नहीं तो ये भी अनवांटेड आपका डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली ये देखिए 302 एमबी का है और अगर आप प्रो में जाएंगे तो 908 एमबी का है। मैं फ्री वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो चुका है। रन करते हैं, आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। ये देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा फिनिश होते ही आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका रहेगा। तो आप यहाँ से मैं अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डिजिटल सिग्नेचर कैसा रहता है। एक करके दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। जैसे कि एक मेरा फाइल है, यहाँ पर मुझे डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर टूल में जाएंगे, ओपन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे डिजिटल साइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है आपको। ये देखिए मेरा नाम आ गया है और मेरा डिजिटल आईडी भी आ चुका है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लॉक करूँगा और पासवर्ड दे दूँगा। देखिए मैं इसको कुछ रीनेम करके कुछ सेव कर देता हूँ। जैसे मेरा सेव हुआ, यहाँ पे रीनेम करके और यहाँ पे देखिए मेरा सिग्नेचर आ चुका है। कौन से टाइम पे सिग्नेचर हुआ है ये भी दिखा रहा है, डेट और टाइम और सिग्नेचर भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे आपका सिग्नेचर को डिजिटल सेट करना है। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में जाएंगे प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में सबसे पहले सिग्नेचर में जाएंगे, फिर यहाँ से आइडेंटिफाई एंड ट्रस्ट सर्टिफिकेट एंड क्रिएट मैनेज आइडेंटिटीज फॉर साइन मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने जो बना के रखा है यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं एक और बनाना चाहता हूँ ऐड। अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं पे जैसे कि बहुत लोग ई मुद्रा से भी साइन करते हैं तो ई मुद्रा का जो फाइल रहता है सिग्नेचर फाइल, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है फाइल, मतलब यहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे तो आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ई मुद्रा का जो भी सिग्नेचर रहेगा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम लोग न्यू बना रहे हैं तो यहाँ पर ए न्यू डिजिटल आई डी वॉन्ट टू क्रिएट नाउ नेक्स्ट करेंगे। सेम इसी पे रहने देंगे, न्यू पी की सी एस।
और यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कुछ और डाल देता हूँ। आप यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन नाम डाल सकते हैं। ये चीज़ ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बहुत सारे कंपनीज में यूज़ होता है, तो यहाँ पे उनका ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट नंबर क्या जो भी सब कुछ रहता है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं डिजिटल साइन करने के लिए। अभी ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप आपका डाल दीजिए, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी आपका है वो डाल दीजिए। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया। अब जो आपका जो भी कंट्री है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये एल्गोरिथम को ही सेम रखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। डिजिटल साइन एंड डेटा इंक्रिप्टेड, इसका मतलब ये है कि ये जो साइन होगा डिजिटली रहेगा और इंक्रिप्टेड रहेगा, कोई और दूसरा को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए पासवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे डिजिटल साइन शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ डिजिटल साइन होगा, डेटा इंक्रिप्टेड करेंगे तो सिर्फ डेटा इंक्रिप्ट, यहाँ पे दोनों हमको करना है। नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, आप पासवर्ड थोड़ा सा हाई सिक्योरिटी वाला डाल दीजिए। देखिए मेरा पासवर्ड सेट हो गया है, मैं जैसे फिनिश करूँगा फिनिश हो चुका है। देखिए पहला डिजिटल सिग्नेचर ए है, दूसरा ए है। इतना सेटिंग होने के बाद आपको जाना है, अभी हमको एक सिग्नेचर को बनाना है, जैसे कि हम साइन करेंगे तो हमारे लिए कुछ कुछ सिग्नेचर चाहिए, तो इसके लिए हम एक सिग्नेचर को बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर, एड इनिशियल, मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं माइनस कर देता हूँ इसको। ऐड सिग्नेचर पे भी क्लिक करके बना सकते हैं, ऐड इनिशियल। देखिए यहाँ पे हमारा एक सिग्नेचर के लिए पेज खुल चुका है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर को बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी बना देता हूँ। ये सिग्नेचर सपोज मेरा सिग्नेचर है, तो ये हमारा सिग्नेचर बन चुका है। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे हम रख देंगे इसको और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको ड्रैग करके। यहाँ से आप प्रिंट स्क्रीन करेंगे, अगर आपके पास प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है कीबोर्ड में तो आप एक सॉफ्टवेयर आता है टेक स्क्रीनशॉट, जो विंडोज़ के लिए होता है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से मैं प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ और पेंट ऑप्शन ओपन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये साइन यहाँ पे आ चुका है, मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करूँगा, क्रॉप, ये मेरा सिग्नेचर बन चुका है, सेव करूँगा, इसको सेव करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ उसको। ये मेरा साइन यहाँ पे आ चुका है, इसको ओपन करें या फिर राइट क्लिक करके डायरेक्टली प्रिंट कमांड दें। इसको हमको पीडीएफ बनाना है, आप चाहे जैसे बनाएं लेकिन इसको पीडीएफ में बनाना है। ठीक है, मेरे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट के हेल्प से मैं इसको पीडीएफ बना रहा हूँ। बन चुका है हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में, देखिए हमारा पीडीएफ बन चुका है सिग्नेचर। इसको मैं इस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर रहा हूँ,
यहाँ पे फिर से एडिट प्रेफरेंस में जाएंगे, सिग्नेचर में, अभी हम क्रिएशन एंड अपीयरेंस में जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे। मोर के अंदर यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी एक सिग्नेचर ऐड है, यहाँ पे एक और ऐड करेंगे। नो ग्राफिक, इंपोर्ट ग्राफ, यहाँ पे इंपोर्टेड ग्राफिक पे करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे। हमको पीडीएफ वाला फॉर्मेट चाहिए साइन के लिए, तो हमको पीडीएफ वाला सिलेक्ट करेंगे, साइन पीडीएफ डेव वाला जो अभी हमने बनाया। देखिए हमारा ये आ चुका है, यहाँ पे ओके करेंगे और देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ आ चुका है। और हमको क्या क्या इस साइन में क्या क्या दिखाना है, जैसे कि इसका बैकग्राउंड लोगो, ये जो एडोब का है वो निकालना है तो निकाल सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के साथ में उसका नाम, लोकेशन सब कुछ डालना है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे इतना सारा नहीं डाल रहा हूँ, रीजन क्यों साइन कर रहे हैं वो सब भी सब यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नेचर इधर आ जाएगा, ये देखिए राइट पे, लेफ्ट पे इधर आ जाएगा। और ये डिजिटल जो हमारा सिग्नेचर का नंबर है, ये है डिजिटल नंबर डिजिट्स का। अभी हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। देखिए देवेंद्र एंड देवेंद्र गुप्ता दो हो चुका है, इसको सिंपली हम ओके करेंगे यहाँ पे। बस फ्रेंड इतना ही करना है आपको, आपका डिजिटल सिग्नेचर रेडी है और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, यहाँ पे ओके करेंगे। अभी मैं वापस से आपको दिखाता हूँ सिग्नेचर करके। फिर से टूल में जाएंगे और सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे साइन करना है सब कुछ की, यहाँ पे डिजिटल साइन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे एरिया कहाँ पे करना है। देखिए अभी मेरा दो आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर का, यहाँ पे मैं देव करूँगा, कंटिन्यू, यहाँ पे लॉक करूँगा ताकि कोई और एडिट ना कर सके, और यहाँ पे पासवर्ड डालूँगा। देखिए हमारा रीनेम हो गया फाइल और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है देव के नाम से। गाइस मैंने अभी आपको बता दिया डिजिटल सिग्नेचर, किसी किसी केस में ये होता है कि ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए रहता, सिर्फ सिग्नेचर चाहिए रहता है, क्योंकि डिजिटल साइन एक पीडीएफ फाइल में सिर्फ एक ही कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक साइन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक साइन को आप हर पेज पे भी कर सकते हैं। अभी मैं सपोज कि मैं एक और मुझे यहाँ पे साइन करना है इसको साइन, तो डिजिटल साइन में करने के लिए जाऊँगा यहाँ पे, तो देखिए क्या बताते हैं, यहाँ पे डिसेबल है तो आप नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर, जहाँ पे आप सिंगल सिग्नेचर चाहिए रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इस पीडीएफ को बंद कर देता हूँ, सैम्पल पीडीएफ पे ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे योर सेल्फ, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अभी जो साइन किया था इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए उसको ड्रैग कर देंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये सिग्नेचर हो गया। तो कुछ के अभी मेरे को यही सेम सिग्नेचर मेरे को यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, हर पेज पे हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपके ऊपर एक बस कैसे बनाना है मैंने आपको पहले ही बताया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको साइन करना है, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर बन, ये आपका जो साइन है वो बन जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, इसको यूज करना इतना इजी नहीं है, जैसे कि आपका ये माउस से करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा। गाइस कैसा लगा ये वीडियो, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो, और इसके साथ साथ वेब डिजाइन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।